ये आपके साथ। ओ ये क्या, घर के बाहर ताला भी लगा हुआ है, लेकिन मैंने सिर्फ आप लोगों की खातिर यहाँ पे खड़ा हुआ। ये देखें गाड़ी से बाहर। सो वेलकम बैक टू एन अदर व्लॉग, और इस व्लॉग में हम लोग जा रहे हैं एक बहुत ही ज़्यादा मशहूर हॉन्टेड हाउस जो कि लोकेटेड है नाज़माबाद में। काफ़ी लोगों ने कमेंट्स में भी कहा था कि नाज़माबाद वाला घर जो असल है वो आप लोग जाके जो है विज़िट करें, और वहाँ पे कुछ होता है ऐसा कि जो लोग जाते हैं वो विज़िट करने तो उनके साथ कुछ ना कुछ होता है। तो मैंने सोचा कि यार अब ट्राई करते हैं ये वाला घर, क्योंकि अब वक्त आ चुका है, क्योंकि इतने ज़्यादा आप लोगों ने उस वाले वीडियो पे 39 के वाली कमेंट्स किए थे, और इतना आप लोगों ने कहा है कि ये वाला घर, उसमें इवन के लोगों ने ये भी कहा था कि महत्ता पैलेस भी आप विजिट करें, बट वो रात को बंद हो जाता है। तो दिन में जाना वहाँ पे मैं एक दो बार गया हूँ, लेकिन वहाँ पे मैंने कुछ ऐसा नोटिस किया नहीं, बट इन फ्यूचर अगर मुझे टाइम मिला तो हम ज़रूर उसको भी ट्राई करेंगे। बट अभी मैं आपको टाइम बताता हूँ, टाइम हो रहा है आपका कितना हो रहा है वलीद भाई, टाइम अभी 1:20 अभी हो रहे हैं, मतलब 1:30 बज गया है, और हम रात के 1:30 बजे ना, ये आप देख सकते हैं, सही है, हम इस वक्त जा रहे हैं वो वाला घर विजिट करने। अब देखते हैं वहाँ पे क्या होता है, क्या सीन है, आपको बाहर से दिखाते हैं। थोड़ा ट्राई करेंगे कि हम उस जगह पे इस रात को रुक के देखें, क्योंकि हालात भी आपको पता है कि थोड़े कराची के ऐसे हैं कि ज़्यादा मुनासिब नहीं है रुकना, बट फिर भी व्यूवर्स के लिए हम लोग जो है ट्राई करेंगे। तो मेरे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, कमेंट्स करें और लाइक करें, और कमेंट्स करके ज़रूर बताया करें कि जो है आपको कौन सा व्लॉग अच्छा लग रहा है, कौन से आपको व्लॉग ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। तो इस व्लॉग को करते हैं यहाँ से स्टार्ट। तो वेलकम बैक टू दिस व्लॉग। वैसे एक बात ये भी है कि आप लोगों ने इतना प्यार दिया उस वाली वीडियो पे, जब अच्छा आप लोग इस तरह देखते हैं ना और अपना लव शो करते हैं, सपोर्ट शो करते हैं, तो बहुत जो ना अच्छा लगता है कि वीडियो बना ना। इस वजह से आप लोगों की ख्वाहिश पे मैंने जो है, आप लोगों की रिक्वेस्ट पे मैंने ये जो है व्लॉग, मैं जा रहा हूँ नाज़माबाद 4 नंबर हादी मार्केट के पास, जहाँ पर वो बैंगलो है हॉन्टेड वाला। तो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए मैं इतनी रात को निकला हूँ, क्योंकि आप लोगों का जो प्यार होता है ना, और उस वाली वीडियो पे आपने मुझे कितने दिए थे, 10,000 व्यूज़ दिए थे। मैं चाहता हूँ इस वाली वीडियो पे इससे ज़्यादा लाइक्स हैं, ज़्यादा कमेंट्स हैं, व्यूज़ हैं, तो इंशाल्लाह मैं किसी और जगह पे भी जाऊँगा। आई थिंक हमें स्ट्रेट नहीं जाना चाहिए वलीद भाई, नहीं ये ज़्यादा शॉर्ट है ये वाला। सो इस वाले को अभी फिर हम स्टार्ट करते हैं, सही है। तो मैंने कहा कि यार आप लोगों का प्यार है ना, बस वो फिर जो ना मोटिवेट करता है कि ऐसी वीडियोज़ बनाने को, कि रात को भी निकलना पड़ता है भाई, क्योंकि आप लोगों को देखना, आप हमारे व्यूअर्स हैं सारे, आप लोग समझ लें कि आपके लिए जो भी वीडियो आती है वो आप लोगों के लिए आती है। तो बस देखना है ज़रूर, इसको सपोर्ट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। तो अब चलते हैं, रास्ता भी आप लोग देख सकते हैं कि काफ़ी भी दूर है हम लोग उस जगह से, लेकिन फिर भी वही बात है, रात का वक्त है, तो थोड़ा सा तो वैसे भी हल्का हल्का दिल में होता है कि यार इतनी रात को निकले हैं और किस जगह जा रहे हैं। क्यों बोली भाई, आप क्या कहते हैं इस बारे में? ये रास्ता तो फिर भी ठीक है, लेकिन जिस मोमेंट पे तुम एंटर होगा ना इस गली में, जहाँ पर ये गली मैं, अच्छा मैं कुछ कहता नहीं, तो वो चीज़ को फील कर रहे हो तो अच्छा भाई। वलीद भाई ने कह दिया मीन्स कि वहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा है, वही बात हम जाके देखते हैं, क्योंकि 39 के तो मेरे घर के पीछे ही था, वहाँ का तो इतना मुझे थोड़ा आइडिया था कि कुछ ऐसा होगा। नाज़माबाद ना मतलब, खैर वैसे तो पूरे कराची सेफ नहीं है, लेकिन थोड़ा जन्नत से ज़्यादा दूसरा डर भी लगता है शॉपिंग में जाने का। भाई ये जो शॉपिंग वाला डर है ना, ये सारे भूतों का बाप डर है, दी ग्रेटेस्ट फेयर ऑफ ऑल। तो ये वाला जो फेयर है ना शॉपिंग वाला, ये बड़ा ख़तरनाक है। अल्लाह का बस, अल्लाह ताला से दुआ है कि वहाँ पे ऐसा कुछ ना हो। तो फिर अभी चलते हैं, ये अभी हम लोग लियाकताबाद वाली साइड पर आ गए, और यहाँ से अभी हम सीधा नाज़माबाद वाली साइड पर जाएंगे, और वो वाला मैं आपको जगह दिखाऊँगा। लियाकताबाद वाला जो अंडरपास है ये आ चुका है, तो अभी बस उस घर के पास मतलब ऑलमोस्ट देयर है। आई थिंक 10 मिनट का रास्ता होगा ज़्यादा से, 7 मिनट का गूगल मैप बता रहा है, तो अभी देखते हैं भाई। कुछ नहीं पता वहाँ पे क्या सीन है, फर्स्ट टाइम जा रहे हैं। लाइक एक होता है ना कि आपके आपका घर हो या आपका कोई रिश्तेदार रहता हो, तो आपका आना जाना उस गलियों से कोई भी नहीं है भाई, दूर दूर तक कुछ नहीं पता। मैं मतलब यहाँ पे बहुत ही रेयर होता है मेरा इस एरिया में आना, तो अभी आ रहे हैं और देखते हैं।
नहीं कह सकते ना। तो टाइम भी मैंने आपको दिखा दिया कि 1:30 बज रहे हैं और ये हम जा रहे हैं। देख सकते हैं ये ब्लॉक 4 नाजमाबाद का आ चुका है। अब यहीं कहीं वो घर है, देखते हैं। ये वही गली है, वही जगह है जहाँ पे वो हॉन्टेड हाउस है, वो भी देखते हैं जाके। गर्मी में मास्क लगा के जाने का मकसद एक ही हो सकता है कि ये कोई शॉपर्स। जरूरी नहीं है, जरूरी तो नहीं है लेकिन शक करना जरूरी है। एरिया तो बड़ा अच्छा है लेकिन जो इस जगह पे घर है वो उससे ज्यादा अच्छा है। आई थिंक ये तो नहीं लेफ्ट है ना, ये रहा घर। सर व्यूअर्स ये देखें, ये घर है वो अभी घुमाते। ये देखें, ये रहा बिल्कुल गली में एकदम से। देखें पता नहीं चला है कि वो ये वाला घर था। देखिए आ चुका है, ये देखें ये रहा घर, ये हॉन्टेड हाउस है नाजमाबाद वाला, ये आप देख सकते हैं। और ये थोड़ा सा मैं जूम इन करने की ट्राई करता हूँ अगर हो सके तो। ये उसके अंदर अभी कुछ दिख भी नहीं रहा है, वैसे ही अंधेरा है, रात है, लेकिन ये घर है, ये वो घर है आप देख सकते हैं। ये पूरा बड़ा खतरनाक सीन है अंदर, लेकिन कुछ दिख तो नहीं रहा है। अगर आप बोलें उतरे वली भाई एक मिनट के लिए, क्या कर पता है क्या करते हैं, मैं ना गाड़ी बिल्कुल स्टार्ट रखता हूँ, इधर खड़ा रहता हूँ, आप इस साइड पर रुकें और मैं खड़ा हूँ, उतरो। मैं व्यूअर्स आप लोगों के लिए, सामने देखो, अरे ये क्या चीज है, एक मिनट ये है क्या, कपड़ा वपड़ा नहीं कपड़ा नहीं है, एक मिनट, ये साया है क्या, ये मुझे लग रहा कुछ है इसके अंदर, नहीं ये है कोई है, ये कोई देख रहा है, नहीं आप उस साइड पे रुके, नहीं मस्जिद तो देखिए वो सामने। आप एक काम करें, आप इसकी साइड पे रुके, मैं थोड़ा सा उतरता हूँ, सिर्फ इस गेट तक मैं जाऊंगा एटलीस्ट थोड़ा सा। तो सर दिल में है या अली मदद, खैर हो गए देखते हैं, जब मेरे दिल में है या अली तो फिर कैसी फिक्र। आप रोके मैं देखता हूँ। वलीद भाई आप यहीं रोक के रखें, ये देखें, ये अगर आप बोलें तो मैं उतरूं। वलीद भाई उतरता हूँ, उतरो और फौरन से वापस आ जाना, 2 मिनट। आप सामने से बाइक को देख लें। हाँ मैंने देखा वो कोई और है। हाँ कोई शॉपर्स ना हो, सही है। ये मैं अभी यहाँ पे उतर गया हूँ, ये देखें मेरे पीछे वही वाला घर है, ये देखें कोई झूठ नहीं, ये देखें ये घर है, ये आप देख सकते हो, और ये मैं खड़ा हुआ यहाँ पे, सही है। ऊपर से क्या, हाँ ये ऊपर है इसके नाजमाबाद वाले घर के, सही है। और ये मैं खड़ा हुआ हूँ, लेकिन अभी मुझे यहाँ पे ना अजीब सा पता नहीं क्यों फील हो रहा है कि कुछ हो सकता है, लेकिन वही बात है कि अभी मुझे, लेकिन यार लिटरली इसके अंदर कुछ ना कुछ होगा, ज़्यादा टाइम लगाएंगे नहीं यहाँ पे, लेकिन मैंने फेवर से आप लोगों की खातिर यहाँ पे खड़ा हुआ। ये देखें गाड़ी से बाहर चलिए थोड़ा सा इसके गेट के करीब, ये देखें ये ताला लगा हुआ है, ये देखें घर के बाहर ताला भी लगा हुआ है, और ये देखें ये मैं, लेकिन कुछ नहीं पता भाई, ये 1:30 बज रहा है, बिला वजह कोई हो जाए तो जो है ना गाड़ी के अंदर बैठते हैं और शीशा भी बंद करते हैं। बट या इट इज हॉन्टेड, आई कैन से इट इज, है ये कुछ हैवी फील हो रहा है, कुछ हो रहा नहीं बाहर, मैं लिटरली उतरा हूँ ना वलीद भाई, मुझे यार मुझे ना जलने की स्मेल आ रही है, कुछ खा नहीं है यहाँ पे, जलने की इवन के ताला वाला लगा हुआ है, सब कुछ है लेकिन उसके अच्छा, बावजूद मजे की तुम्हें बात बताऊँ इस घर के बारे में। सदस्य फ्रेंड ऑफ माइंड जो यहाँ रहता है उसने बताया था ये बहुत सारे लोग कहते हैं डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी भी है। अच्छा ठीक है, डिस्प्यूटेड हो सकती है, लेकिन इतने टाइम से कोई जगह बंद हो ना तो वहाँ पर कुछ होता है। अच्छा जो जलने की स्मेल आ रही है मुझे लग रहा है किसी ने आग वाग जलाई होगी, हो सकता है कुछ नहीं पता, लेकिन ये है हमें यहाँ से भी निकलना चाहिए। व्यूअर्स आप देख लें मैं इसी घर के बाहर हूँ। अब कोई कुछ लोग होते हैं मैंने देखा कमेंट करके कहते हैं नहीं यार ये वो वाला घर नहीं था, ये वाला घर था, देखें बात सुने 39K वाला भी जो घर था वो वही घर है जहाँ पे मैं गया। हाँ अब वो रेनोवेट हो गया क्या सीन है, लेकिन वो वही ब्लॉक 6 का घर है। लेकिन ये अब आप देख लें ये आपके साथ, ओ ये क्या वलीद भाई खैरियत तो है, गाड़ी कहाँ अटक गई,
यार ये क्या हुआ? ये तो अभी कोई गड्ढा नहीं था, नीचे तो कुछ भी नहीं है। अलीब भाई यहाँ से थोड़ा आगे कर ले गाड़ी, मुझे अब लग रहा है कि अलीब मैं ना हाँ वो देख के देख के ये भी इसके सामने आई थिंक कोई स्कूल है, पता नहीं क्या। कोई यहाँ पे देखो गड्ढा नहीं है, कोई गड्ढा नहीं है, लेकिन हमारी गाड़ी फिर अंदर कहाँ गई थी? शिट, घुमाए इसकी तरफ। अच्छा ये गली देखें, इस साइड पे ये है। जो लोग ये कहें यार ये वाला घर नहीं था, वो नहीं था, हम रात के 1:30 बजे यहाँ पे आए हुए, सही ना? ये देखें इस साइड से भी देख ले, आगे इस साइड पे लेके जाएगा वलीद भाई। इधर ये क्या है? कॉल भी आ रही है अभी। ओके, ये देख लें आप, ये वही वाला घर है, सही ना? मैंने आपको दिखा दिया है, ये उसकी वो वाली खिड़की थे। ले जूम इन करके देखते हैं, किस चीज़ की रोशनी इसके अंदर, कुछ नहीं पता। ये उसकी छत है, इसके अंदर कुछ नहीं। अच्छा दिख विक नहीं रहा है कुछ भी अंदर। ये खैर बारर वही घर है, आप देख सकते हैं। ये भी शीशा भी खोल दिया है, कुछ है भाई इस घर में, कोई एक एक है वली भाई इसके अंदर। एक ना यहाँ खड़े होके ना एक अजीब सी एक मुझे वो हो रही है। तुम एक चीज देखो, आज वीकेंड है और रात का 1:30 बजा हुआ है, लेकिन ये पूरा एरिया कितने सन्नाटे, पूरा एरिया सन्नाटे में, और स्पेशली इस घर के अंदर वाकई ना, मतलब इस यार एरिया में कुछ हैवी है, कुछ है यार, कुछ कोई वाइब है यहाँ पे ना, कुछ है, कुछ तो होता होगा यहाँ के। जो वही बात है, जितने भी लोग यहाँ पे रहते हैं नाजमाबाद में, जो इस घर के आसपास के कोई भी आना जाना होता है, वो जरूर बताइए कि मतलब क्या यहाँ का रात को होता है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे अभी 1:45 हो चुके हैं, 1:30 बजे हम यहाँ आए थे, 1:45 हो चुके हैं हमें यहाँ पे, और ये घर हमारे सामने। अब आप यहाँ से चलाए इसको देखते हैं व्यूवर्स। हाँ हम यहीं से निकलते हैं, क्योंकि ये तो आपका ये वाला घर हो गया हमारे। ये देखें आप पीछे वो घर, स्पेशली ये वाला घर मैंने सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए जो है ना मैंने ये विजिट करा है, क्योंकि आप लोग जो चीज़ बताते हैं हम वहाँ पे जाते हैं, ट्राई करते हैं कि हमसे जो हो सके। और मैं देखें बाहर भी उतरा, टाइम भी मैंने आपको दिखाया कि कोई बोले नहीं यार ये तो कोई शाम के 9 बजे होंगे, रात के मतलब कोई 12 बजे होंगे, तो अभी आपने देख लिया है कि आधी रात हो चुकी थी, 1:45 अभी हो रहे हैं, और ये तो नॉर्मल गली होगी आई थिंक। बट देखिए हम उस घर के बाहर आए, पूरा विजिट करा। अब इस वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप लोग जो है कमेंट्स करें, बताएं कोई नई जगह, कुछ भी इस जगह के बारे में, तो ज़रूर हम इसको भी विजिट करेंगे। और इस वीडियो पे अगर ज़्यादा व्यूज आएंगे तो एक जगह हमने निकाली भी है मैंने और वलीद भाई ने, उसका वलीद भाई अभी आपको बताएंगे कि वो कितनी ज़्यादा हॉन्टेड है। लेकिन अगर इस वीडियो पर ज़्यादा व्यूज़ कॉमेंट लाइक्स आएंगे तो समझ लें कि उस वाली जगह की परमिशन लेके जानी होती है, तो वो वलीद भाई अब थोड़ा आपको बताएंगे। जी वलीद भाई, यार वो है शारे फैसल पर है, जगह अभी नहीं बताते, शारे फैसल पर है और गोरा कब्रिस्तान के करीब करीब है, और मैं वहाँ पर जॉब करता था बैक इन 2019। तो वहाँ का एक फ्लोर है जो पूरा बंद किया हुआ है, और वहाँ पर लिफ्ट वगैरह भी नहीं जाती, और वहाँ पर कोई इमाम साहब आते थे तिलावत करने के लिए मिडनाइट। तो वो जगह की स्टोरीज भी हैं, वहाँ की बातें भी हैं जो कि ज़रूर बताऊँगा, लेकिन जब हम वहाँ जाएंगे तब इंशाल्लाह। भाई बहुत इन्होंने मुझे उसके बारे में पूरा बताया था कि उस 9th फ्लोर पे क्या हुए हैं वाकयात, क्या क्या लोगों के साथ चीज़ें हुई हैं, लोगों ने क्या क्या देखा है। लेकिन उसका तरीका ये है कि अगर आप लोग इस वाली वीडियो पे सपोर्ट अपना दिखाएंगे तो हमें उस वाली जगह की परमिशन लेनी होगी, फिर हमें उसके जाना वीडियो बनानी होगी, क्योंकि वो बहुत जाना ज़्यादा स्केरी जगह है। लेकिन ओनली फॉर यू गाइस हम लोग वहाँ पे जाएंगे अगर आप लोग इसको सपोर्ट करेंगे। तो ये वाला अभी एक नाजमाबाद का हो चुका है, बाहर से भी दिखा दिया। अब हम जो है नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह, अगर कोई हॉन्टेड, अगर आपको कोई जगह विजिट करवानी है, हमारी वाली देखनी जो हम बात कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको इसमें व्यूज ज़्यादा देने होंगे और सपोर्ट करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना होगा। तो अभी चलते हैं कहीं आगे। अच्छा एक गाड़ी वाला वहाँ पे से गुजरा था हमारे बराबर से, मुझे याद नहीं क्योंकि मैंने तो उस वक्त सुना नहीं, क्योंकि मैं घर के बाहर खड़ा हुआ आप लोगों को वो घर दिखा रहा था। वो ये कह रहा था, चीख के गाड़ी में जा रहा था, उसने ये चीख के बोला कि ऊपर से कोई कुछ ना कुछ फेंकता है, तो ऊपर से क्या, हाँ ध्यान से आप वहाँ पे खड़े हो। हाँ। और मैंने उस वक्त सुना ही नहीं है वलीद भाई, कह रहा था ऊपर से पत्थर आता है साइड में हो जाए, तो अब इसका कोई भी रीजन हो सकता है क्योंकि पुरानी बिल्डिंग है तो कुछ गिरने का खतरा, हाँ कुछ भी हो सकता है। हाँ लेकिन जो है वही बात है कि मुझे तो नहीं पता था, मैंने उसकी बात नहीं सुनी, लेकिन वो कह रहा था ऊपर से कोई कुछ फेंकता है, तो मैंने उस वक्त तो मैंने इतना सुना नहीं, लेकिन ऊपर खैर था तो कोई भी नहीं, बट वही बात है कि हमें क्या पता क्या सीन है।
बहुत ही अजीब घर था और मुझे तो उस घर के बाहर खड़े हुए ना मेरा जो एक्सपीरियंस आप समझ लें कि ऐसा था कि मुझे एक हो रहा था कि कोई कुछ है उस घर में ना, कोई मतलब एक वाइब आ रही होती ना आपको कि यार कोई इसके अंदर घूम रहा है, दो चीजें मुझे ऐसा लग रहा था उस घर में। दो चीजें थी, एक बहुत गंदी जलने की स्मेल आ रही थी, पहले मुझे ये लगा था कि शायद किसी ने आग जलाई होगी, लेकिन तो कोई आग नहीं थी। और बात ये कि गर्मियों में कौन आग जलाएगा। दूसरी चीज, वहाँ पे वो एक हैवीनेस अजीब सा हो रहा था, बहुत ऐसा सा, पता नहीं क्यों ये चीज मुझे बहुत अजीब लगी। और फिर वो गाड़ी में जो बंदा निकला ना, जब उसने ये बात की कि साइड में हो जाओ, ऊपर से कोई कुछ फेंक देगा, तो एक होता है जब आप मजाक करते हो, वो आदमी अकेला था, बड़ी एज का मजाक करने वाले उसमें था भी नहीं, कंसर्न होकर कह रहा था भाई। बिल्कुल ये बात वलीद भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि उस घर के बाहर मुझे एक मिनट के लिए थोड़ा सा ये हुआ कि सही है हम एक हॉन्टेड हाउस विजिट कर रहे हैं, सही है वो बात सारी सही है, लेकिन एक मिनट के लिए मुझे ऐसा लगा कि हाँ उसके अंदर कोई है, क्योंकि वो एक होता ना कि कहीं कोई रह रहा होता तो एक आपको एक फील आती है कि यार नहीं अंदर कोई घूम रहा है, मतलब कोई रहता हो। लिटरली ऐसी फील आ रही थी कि अंदर कोई है या कोई किसी की या ना मूवमेंट है। वही बात है कि वीडियो ये जब आएगी तो मे बी कुछ आप लोगों को ज़्यादा समझ आए, देखें आप लोग कुछ महसूस करें, क्योंकि लास्ट टाइम मेरी वीडियो में यही हुआ था कि हम जब वहाँ खड़े हुए थे लोकेशन पे 39K की, तो वहाँ पे ऐसा कुछ भी हमें कोई फील नहीं हो रहा था कि यार कोई पायल की आवाज़, लेकिन वही बात है वीडियो के अंदर वाकई बाकायदा पायल की आवाज़ें थी। क्योंकि लास्ट टाइम भी मेरे साथ यही हुआ था कि जब मैं 39K वाले बेंगलुरु के बाहर खड़ा हुआ था, तो उस वक्त लोकेशन पे ऑन द स्पॉट कुछ भी हमें ऐसा फील नहीं हुआ, मैं बड़े मज़े से व्लॉगिंग कर रहा था, बट जब मैंने वीडियो वो एक महीने बाद किसी का कमेंट पढ़ा तो उसमें बाकायदा पायल की आवाज़ें उस वक्त जो है ना उस जगह पे आई हैं, छम 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 छम, लिटरली लग रहा था कि कोई साथ साथ हमारे मूव कर रहा है, जैसे ही मैं थोड़ा आगे जाऊँ तो और तेज़ हो जाती है। ये वही बात है कि वीडियो में चीज़ें रिकॉर्ड हो जाती हैं, लेकिन उस वक्त मुझे लोकेशन पे ऐसी कोई चीज़ जो है ना महसूस नहीं होती, लेकिन वही बात है कि यहाँ का भी अभी हमें नहीं पता, मे बी एक दो महीने बाद कोई वीडियो में अगर कोई रिकॉर्डिंग आए, कोई किसी आप में से कोई व्यूअर बता दे तो हो सकता है।